गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और हम लोग अभी यहाँ पे चाय एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी भाग रहे हैं घर, भागना है घर पे। घर वाले भी बहुत परेशान हो चुके हैं। और शुभम भाई, अब मिलते हैं, मिलते हैं अगली बार। और आप जब सूरत आने वाले हो तो पक्का पक्का। हाँ ठीक है, आने वाला हूँ, कॉन्टेक्ट करता हूँ। ठीक है, पक्का मिलना। ओके, मिलके अच्छा लगा। शुभम भाई चाओ। सॉरी गाइस, जला दिया इसको। सॉरी यार शुभम भाई, खोपड़ी तोड़ साले का मार, खत्म, बाय बाय। नहीं बस हाथ में चाहे था, उसको भी ध्यान ही नहीं दिया बस। तो बॉयस अभी हम लोग यहाँ से अपने अपने घर जा रहे हैं। बाय बाय गाइस। गाइस शुभम को देखो बेचारा, उस पे गरम गरम चाय गिरा दी मैंने। बाय बाय मित्रों। सो बॉयस, जीटी में अभी फ्यूल बहुत ही कम है और अभी मैं फिलहाल वाड़ा के बस स्टैंड पे हूँ और यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे पेट्रोल पंप है गाइस। तो वहाँ पे जाके पेट्रोल भरवाता हूँ और फिर चलते हैं अपनी सफर के लिए आगे। हमारे पास कैश में कुछ नहीं है तो गाइस हमें फ़ोन से सब पे करना पड़ेगा अभी। तो गाइस ऑनलाइन पेमेंट के बाद बारी है फ्यूल अप की और आप देख सकते हो पेट्रोल का प्राइस कुछ 106 रुपया कुछ चल रहा है यहाँ पे। जिस तरह से बाइक दमदार है वैसे ही अभी इसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो अभी हम टंकी फुल कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे फ्यूल अप करवाने के बाद गाइस हम बढ़ चुके हैं आगे। गाइस ये बाइक, उफ क्या कहने इसके, आज तक का मेरे ख्याल से मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है ये बाइक चलाने के बाद। और गाइस इसी एक्सपीरियंस को लेके किसी ने कहा होगा कि अ टर्न ऑफ ऑन कॉन्टिनेंटल GT650 बाईवे। कॉन्टिनेंटल जो वर्ड है वो यूज करके तो मुझे एकदम जॉनिक वाली वाइब आ रही है। आपका क्या कहना है गाइस, जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ऐसे रास्तों में कोई बिना गाए कैसे रह सकता है यार। मैं जो आज कल अकेले में मुस्कुराता हूँ, कोई पूछ ले मुझे तो बातें मैं घुमाता हूँ। ये दुनिया पागल कहती है, आवारा बादल कहती है, हंस चेहरे पर रहती है, ये तुमने क्या किया। कोई कमेंट नहीं करेगा सॉन्ग अच्छा नहीं था या फिर तुम्हारी वॉइस अच्छी नहीं थी, जैसा भी था इट्स माई चॉइस गाइस। और दूसरी बात गाइस, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बोला था कि महाराष्ट्र साइड में पहली बार जा रहा हूँ और गाइस यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था और इसको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। तो दोस्तों, आप लोगों से बात करते करते मैं जवार में भी एंटर हो चुका हूँ। अभी मैं अभी ऐसे जा ही रहा था घर पे कि मुझे रास्ते में ये लोकेशन दिखी, तो ये लोकेशन पे चलते हैं, थोड़ा फोटोज या वीडियोस लेते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं आगे। यहाँ पे ऊपर आने के बाद गाइस थोड़ा डर तो लग रहा है मुझे, पर क्या करें, डर के आगे जीत है, चक दे पटे गाइस। इतनी ऊपर चढ़ने के बाद डरना भी जायज है गाइस, क्योंकि बैग भी मैंने लेकर चढ़ा हूँ और हेलमेट भी लेकर चढ़ा हूँ। और गाइस चढ़ने के टाइम पे तो मैंने हेलमेट पहन के चढ़ा था। ये लोकेशन इतनी अच्छी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा रुकूँ, बैठूँ आराम से, नेचर के मजे लूँ, पर क्या करो, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, जाना पड़ेगा, इसके लिए चलते हैं अभी। गाइस अगर आप लोग को मैं एक सच्ची बात बोलूँ तो मुझे अभी ब्लॉग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरे पास पूरा ब्लॉगिंग सेटअप है नहीं और वीडियो शूट एडिट और अपलोड फ़ोन से ही करता हूँ और थोड़ा स्टोरेज का भी प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से मेरे अभी तक 400-500 ऐसे ही ब्लॉग पड़े हैं जिनको एडिट करना बाकी है। ब्लॉग एडिट अपलोड और उसके बाद सारा डेटा डिलीट करना पड़ता है गाइस स्टोरेज के लिए। ऐसे टाइम पे मुझे गोप्रो की बहुत ज़रूरत पड़ती है, पर एडजस्टमेंट करके चला लेते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपनी चौड़ बढ़ाओ थोड़ी, ताकि हम भी आगे जाके फ्यूचर में गोप्रो से ब्लॉग बना सके गाइस। इतने लंबे सफ़र के बाद फाइनली गाइस मैं अभी खेड़पा पहुंच चुका हूं। खेड़पा अपना DNH वाला एरिया है और यहां से अभी अपना रास्ता तो पता ही है। एक हाथ से ब्लॉग बना रहा हूं और दूसरे हाथ से गाइस बाइक चला रहा हूं, और नीचे छोटे छोटे पत्थर भी है और डर लग रहा है कि कहीं गाड़ी स्लिप ना हो जाए। फाइनली गाइस खानमेल में पहुंच चुका हूं और अभी यहां पे अपना व्लॉग खत्म करते हैं। होप यू गाइस एंजॉयड माय व्लॉग। तो जाते जाते कमेंट जरूर करना कि हमारा व्लॉग आप लोग को कैसा लगा, और मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ।